हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सुबह उठते ही सबसे पहले काम हमारा होता है कि हम पहले चाय जो है पीना पसंद करते हैं, और चाय इसलिए पीना पसंद करते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत लग चुकी होती है। तो बहुत लोग जो है नींबू चाय पीते हैं, दूध की चाय पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी चाय की रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप हर दिन पीना पसंद करेंगे क्योंकि ये हेल्थ के बेनिफिट तो है ही, साथ ही साथ जो है चाय हम पीते हैं बेसिकली कि हमारी नींद खुल जाए, हम बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करें, स्फूर्ति आए। और बहुत लोगों को तो कब्ज की शिकायत होती है, तो जब तक चाय पीते नहीं है तब तक उनका जो है अच्छे से जो है पेट साफ नहीं होता है। तो ऐसे में जो है ये जो मैं चाय बना रही हूँ ये स्वाद भी देगा आपको, साथ में आपकी नींद भी खुलेगा, आपको स्फूर्ति ताजगी भी महसूस कराएगा और आप अपने काम के लिए जो है जल्दी उठकर जल्दी तैयार हो सकते हैं। तो ये चाय आप हर दिन जो है पीना पसंद करेंगे। बिल्कुल बनाना आसान है और इसमें सारे नेचुरल चीज़ें हैं, रसोई की चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके ये चाय बना सकते हैं। तो ज़रूर आप इसको जो है अपना सकते हैं और डेली भी पियेंगे तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप डेली इस चाय को ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने काली मिर्च जो है 2 काली मिर्च कूट के डाल दिया है, थोड़ी सी अदरक जो है करीब 1/2 इंच के बराबर अदरक को कूट के हमने डाल दिया था। साथ में हम यहाँ पर ले रहे हैं सौंफ। सौंफ का टेस्ट जो है चाय में बहुत ही बढ़िया आएगा, और साथ ही जिनको जो है कब्ज समस्या होती है, पेट साफ नहीं होता है, एसिडिटी हो जाती है, और साथ ही साथ ये वजन भी कम करने में जो है सहायक होता है, और इसलिए जो है हम यहाँ पे सौंफ का यूज कर रहे हैं। तो 1 टीस्पून से कम ही, बस थोड़ा आधा टीस्पून मान के चलिए, आधा टीस्पून के करीब जो है हमने यहाँ पे सौंफ का पाउडर, या आप सौंफ यूज कर सकते हैं मोटा वाला या पतला वाला, कोई सभी जो आपके पास अवेलेबल हो वो वाला आप डाल दीजिए। बस उसे बॉइल करना है 3-4 मिनट। 3-4 मिनट बॉइल करने के बाद से सबसे जो है आयुर्वेद में जो है तुलसी के पत्ते बहुत ही फायदेमंद करता है और इसका हमेशा से जो है यूज़ किया जाता है। और इस बदलते मौसम में सर्दी जुखाम, गले में खराश, सर दर्द, पूरे बदन में जो है दर्द रहता है, तो ऐसे में भी जो है आप इसे पी सकते हैं और ये आपको बहुत ही आराम देगा। सुबह सुबह उठते ही बहुत सारे लोगों को कंटिन्यू जो छींके आती है, इचिंग होती है, नोज़ रेड हो जाते हैं, बिल्कुल नज़ला की प्रॉब्लम है, समस्या है, गले में खराश है, दर्द है, सर्दी जुखाम है, तो ये आप खुद भी पी सकते हैं और बच्चों को भी पिला सकते हैं। तो तुलसी का बस हमने एक पत्ता लेकर डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिठास के लिए गुड़ ऐड करेंगे। अगर गुड़ पीना पसंद नहीं है तो आप शहद का यूज़ कर सकते हैं, और जिनको डायबिटीज़ है, जिनको नहीं ये मीठा यूज़ करना है तो वो बिना मीठा के भी जो है पी सकते हैं, लेकिन गुड़ जो है स्वाद के अनुसार आपको डालना है, जितना आपको पसंद है, कम ज़्यादा मीठा उसके हिसाब से। तो बस थोड़ा सा हमने पीस डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तुरंत हम छान के गर्मा गर्म जो है चाय के जैसा इसको पीना है, और बहुत ही अच्छा आप फील करेंगे और डेली आप ये चाय पियेंगे क्योंकि ये पीने में सच में बहुत स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। तो बच्चे बड़े सभी इसको जो है पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि हमने इसमें चाय पत्ती की जो है बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, और ये चाय जो है हमारा बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल आयुर्वेदिक, आयुर्वेद वाला ये चाय है, टेस्टी चाय। तो आप इसको यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना सपोर्ट प्यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।